हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पैरामीसियम स्टार्ट किया था। एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में हमने प्रोटोजुअंस में एंटामीबा कंप्लीट किया है एंड आफ्टर दैट पैरामीशियम का हमने कुछ पार्ट स्टडी कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कुछ पार्ट बचा हुआ है इसकी मॉर्फोलॉजी का और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फिजियोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। बात करते हैं इसके इंजेस्टेटरी अपरेटस, मींस जहां से ये फूड का इनटेक करता है वहां कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, इंजेस्टेटरी अपरेटस। स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चों? स्टार्टिंग में एक ओरल या पेरिस्टोमियल ग्रूव होता है बॉडी के ओरल साइड में या फिर वेंट्रल साइड में। दो साइड है ना, वेंट्रल और डोर्सल। तो ओरल साइड में या वेंट्रल साइड में एक ग्रूव है, एक खांच के जैसे स्ट्रक्चर है जो थोड़ी ओब्लिक है, मींस तिरछी जा रही है और यहां से स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं ओरल ग्रूव या पेरिस्टोमियल ग्रूव। ये जो ग्रूव है बच्चों, ये जाके खुलता है किसमें, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये हो गया ये वाला पोर्शन ओरल ग्रूव और ये जाके खुल रहा है किसमें, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोल रहे हैं क्या, वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल जाके खुलती है एक सिलेंड्रिकल एस शेप्ड बकल कैविटी में। सबसे पहले ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव खुल रहा है किसमें, वेस्टिब्यूल में, और वेस्टिब्यूल खुल रही है जाके किसमें, बकल कैविटी में। जो बकल कैविटी है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल या एस शेप्ड, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये वाली स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं साइटोस्टोम। बकल कैविटी किसमें खुल रही है, साइटोस्टोम में, जिसे हम सेल माउथ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ओरल ग्रूव किसमें, वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल किसमें, बकल कैविटी में, और बकल कैविटी किसमें, साइटोस्टोम में। और साइटोस्टोम में आप देख रहे हो यहां नीचे की तरफ, साइटोस्टोम के बाद जो पोर्शन है उसको बोलते हैं क्या, साइटोफेरिंग्स। ये जो ये वाला पोर्शन है यहां पर, इसको साइटोस्टोम कहेंगे और फिर जो ये सर्कुलर सी स्ट्रक्चर है यहां पर, इसको साइटोफेरिंग्स बोलेंगे। तो साइटोस्टोम सेल माउथ भी बोलते हैं जिसको, वो खुल रहा है किसमें, साइटोफेरिंग्स में, एक छोटा सा पोर्शन। यहां पर नई नई फूड वैक्यूल्स बनती हैं, साइटोफेरिंग्स में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स बनती हैं। अब एक चीज और देखेंगे कि जो ये सारा पोर्शन है ओरल ग्रूव को छोड़कर और वेस्टिब्यूल को, इसमें पूरे में ही मॉडिफाइड सीलिएचर प्रेजेंट होते हैं। सीलिएचर मीन्स यहां भी अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, जो इसकी फीडिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको बच्चों दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं साइटोपाइज। साइटोपाइज कहाँ है, यहां पर साइटोस्टोम के जस्ट पीछे एक छोटी सी स्ट्रक्चर, टेम्पररी ओपनिंग होती है, जो फूड वैक्यूल्स को जब इजेस्टेड करना होता है बाहर की तरफ, बाहर निकालना होता है फूड वैक्यूल्स को, बाहर निकालने के लिए मीन्स इनका जो एक्सक्रेटा होता है, वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए एक ओपनिंग होती है जिसको साइटोपाइज बोलते हैं। तो इंजेस्टेटरी अपरेटस का ही पार्ट होगा ये भी। सो क्या क्या है बच्चों, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ओरल ग्रूव से। ओरल ग्रूव किसमें खुलेगी, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल किसमें खुलेगी, बकल कैविटी में। फिर बकल कैविटी के बाद यहां पर साइटोस्टोम, साइटोस्टोम जाके साइटोफेरिंग्स में, और यहां पर ये साइटोपाइज। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, न्यूक्लियर अपरेटस। मींस इसका जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डाइमॉर्फिक या फिर हेट्रोकैरियोटिक होते हैं ये। इनका न्यूक्लियर अपरेटस दो टाइप के होते हैं, आप देख रहे हो एक यहां पर बड़ा न्यूक्लियस है साइज में और एक छोटा। जो ये बड़े वाला है इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और जो छोटा है इसको क्या कहेंगे, माइक्रोन्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस के फंक्शन अलग अलग हैं। जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये किससे रिलेटेड होता है, मेटाबॉलिज्म से, यानी कि ये बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जो भी जनरल एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये कंसर्न रखता है किसके साथ, रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से, और मैक्रो किससे रिलेटेड है, जो साइज में बड़ा है, ये किससे रिलेटेड है, मेटाबोलिज्म से। तो मैक्रो जो है वो लगभग सेंटर में है और माइक्रोन्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस उसी के बिल्कुल पास में, यहां पर ग्रूव जो बनी हुई है खांच जैसी स्ट्रक्चर, उसी के पास में माइक्रोन्यूक्लियस होता है। अब एक और चीज बच्चों, मैक्रो हमेशा जो होगा वो एक होगा और माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, या सेवरल मींस दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वन का जो एग्जांपल है वो आप याद रखोगे, पैरामीशियम कोडेटम, जो हम स्टडी कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है पैरामीशियम की, उसमें
एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, और जो ओरेलिया है पैरामीशियम ओरेलिया उसके पास कितने होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। और एक हमने पढ़ा था पैरामीशियम की स्पीसीज मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम स्पीसीज, तो नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टी मीन्स बहुत सारे, मोर देन वन, और माइक्रोन्यूक्लिएटम मतलब माइक्रोन्यूक्लियस। मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में ये माइक्रोन्यूक्लियस का नंबर मोर देन वन या मोर देन टू होता है। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे, कोडेटम में एक, ओरेलिया में दो, और मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में दो से ज्यादा। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होती है बच्चों, इनके बारे में हमें इतना पहले से ही पता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स किसी के भी पास होती है तो ओस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है, तो यहां भी यही काम करेंगी, ओस्मो रेगुलेशन करेंगे, और दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं इनके पास। ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे, ये दोनों इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। इनकी फिक्स्ड पोजिशन होती है बच्चों एक, और कहाँ होती है, नियर द बॉडी एंड्स, कहाँ, एक्टोप्लाज्म वाले पोर्शन में होती है बॉडी एंड्स के पास, और अबोरल साइड जो है बॉडी की या डोर्सल सरफेस जो है उधर एक्टोप्लाज्म में बॉडी एंड्स के पास में होती है। इनके चारों तरफ एक यूनिट मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, और जिसको बोलते हैं वैक्यूलर कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। वैक्यूलर कंडेंसेशन मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ, वैक्यूल के चारों तरफ एक यूनिट मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं वैक्यूलर कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। और ये कंडेंसेशन मेम्ब्रेन यहाँ पेलिकल जो इसकी बॉडी कवरिंग है उसमें पोर होते हैं, उन पेलिकुलर पोर से कनेक्टेड रहती है। ये वैक्यूलर कंडेंसेशन मेम्ब्रेन कनेक्टेड रहती है परमानेंट पेलिकुलर पोर जो अबोरल सरफेस पे ही है उनके साथ कनेक्टेड रहती है। और ये जो यहाँ पर एरो के जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं फीडिंग कैनाल्स। ये फीडिंग कैनाल्स का नंबर भी सर्टेन फिक्स होता है 5 to 12, 5 से 12 स्लेंडर फीडिंग कैनाल्स होती है जो ओपन होती है इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। अंदर की तरफ किसमें खुल रही है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, बाहर किसमें, एक्टोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म की तरफ, बाहर की तरफ निकली हुई है, एक्सटेंड इनटू द सराउंडिंग साइटोसोल, जो साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है उसमें बाहर की तरफ निकली हुई, और जिसकी वजह से कैसा अपीरियंस आता है, स्टार लाइक अपीरियंस होता है इनका। अब बात करें फूड वैक्यूल्स की और दूसरे इंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले जानते हैं फूड वैक्यूल्स। यहां देखो बच्चों बहुत सारी स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये है सारी की सारी फूड वैक्यूल्स। तो कई सारी फूड वैक्यूल्स बॉडी में क्या करती रहती है, स्ट्रीमिंग करती रहती है, घूमती रहती है कॉन्स्टेंटली। हमें बहुत सारी फूड वैक्यूल्स, इनको गैस्ट्रियोल्स भी बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स को और क्या बोलेंगे, गैस्ट्रियोल्स, जो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है एंडोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। इनके फूड वैक्यूल्स के साइटोप्लाज्म में इस तरह कॉन्स्टेंटली मूव करने को क्या कहेंगे, साइक्लोसिस बोलेंगे। और एक डेफिनेट वैक्यूलर मेम्ब्रेन है इनके पास भी, वैक्यूल किससे सराउंडेड है, एक डेफिनेट वैक्यूलर मेम्ब्रेन से, जो क्या बाइंड करके रखती है अपने आप से, इनके अंदर क्या है, सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स है, तो जो बाहर वॉटर है, वॉटर की ड्रोपलेट्स के साथ या ड्रॉप के साथ ये बाइंड होके रखती है, बाइंडिंग अ ड्रॉप ऑफ आउटसाइड वॉटर विद सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स हैं इनके अंदर उससे ड्रॉप पानी की बाइंड करके रखती हैं। और इसके अलावा कुछ बॉडीज पड़ी रहती हैं बच्चों इसमें, जैसे कि फैट ग्लोब्यूल्स या फिर वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या लिपोइड ग्रेन्यूल्स एज अ रिजर्व फूड, रिजर्व फूड की फॉर्म में फैट, लिपिड या फिर वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पड़े रहते हैं इसमें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। अब बात करें पैरामीशियम की फिजियोलॉजी की बच्चों, तो फिजियोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन मींस किसी की बॉडी का, पूरी बॉडी का या पूरे ऑर्गेनिज्म का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना लोकोमोशन होता है। और ये हम जानते हैं कि इनमें लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है, सीलिया की हेल्प से। दे हैव सीलिया ऑल अराउंड द बॉडी, और सीलियरी मूवमेंट या फिर सीलिया में बीटिंग होती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट या लोकोमोशन कर पाते हैं। एक्टिवली स्विम करते रहते हैं वॉटर में, और किस रेट पर स्विम करते हैं, 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड, और जिसमें हेल्प किसकी होती है, सीलिया की हेल्प से चलते हैं और एटीपी यूटिलाइज करके, एटीपी से एनर्जी लेकर ये मूवमेंट करते हैं। अब इनकी मूवमेंट या लोकोमोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इफेक्टिव स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक। जो सीलिया बीटिंग करते हैं, सीलिया बीट करते हैं मूवमेंट करवाने के लिए, वो दो तरीके से करेंगे, एक को हम बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक और एक को रिकवरी। इफेक्टिव में क्या होता है बच्चों, जो सीलिया है वो क्या करते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और स्लाइटली कर्व,
स्टिफ हो जाते हैं और थोड़े से कर्व्ड हो जाते हैं, कहो कनकेव हो जाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। जैसे एक नाव चल रही है और नाव में जो ओर होता है उससे हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और पानी पीछे की तरफ धकेलेंगे तो नाव की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, आगे की तरफ होगी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक में जो सीलिया है वो बैकवर्ड मूव करेंगे, थोड़ा कॉनकेव होके, थोड़ा सा कर्व्ड होके, और पानी को पुश करेंगे बैकवर्ड फोर्स के साथ, और पानी पीछे की तरफ पुश होगा, इनकी मूवमेंट आगे की तरफ होगी। तो ये इफेक्टिव स्ट्रोक है। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, सीलिया जो है फ्लेक्स्ड हो जाएंगे और स्ट्रेट हो जाएंगे। पहले क्या थे, कर्व्ड हो गए थे, अब ये कैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे और अपनी नॉर्मल पोजिशन में मूव बैक कर जाएंगे 5 times फास्टर। जितनी फास्ट ये पीछे की तरफ गए थे उससे 5 गुना तेज आगे की तरफ आ जाएंगे और स्ट्रेट हो जाएंगे। मीन्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, पानी की जो पुशिंग होगी वो बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। एक बात और देखें, सारे सीलिया सेम रेट पर बीट नहीं करते हैं, सेम रेट पर बीट करते हैं बट साइमल्टेनियसली बीट नहीं करते हैं। अब सीलिया की जो है दो रो है बच्चों, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे और एक ट्रांसवर्स रोज में, तो दो तरह की ही बीटिंग करते हैं वो सीलिया। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वाले हैं वो वेव लाइक मैनर में मूव करते हैं, और जो सारे सीलिया हैं, सेम रेट का मीनिंग क्या है बच्चों, कि भाई इस सीलिया ने एक बीटिंग की, एक बार बीट किया, दूसरा सीलिया भी एक बार ही करेगा। जितने टाइम में वो 10 बार कर रहा है तो वो भी 10 बार ही करेगा, बट साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि एक साथ सारी बीट नहीं करेंगे, एक ने बीट किया उससे पीछे वाले ने तो उसके बाद बीट किया। अब दो तरह की बीटिंग होगी यहाँ भी, मेटाक्रोनस और सिंक्रोनस। मेटाक्रोनस में जो हमने बताया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वाले जैसी बीटिंग करेंगे, मींस वो सेम रेट पे तो करेंगे बट साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, एक के बाद दूसरा करेगा। ट्रांसवर्स रो वाले जो है वो साइमल्टेनियसली करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस बीटिंग, मतलब सारे एक साथ मूवमेंट या एक साथ बीटिंग करते हैं सीलिया। अब इसकी जो लोकोमोशन है बच्चों वो दो तरीके से हो रही है, एक तो ये रोटेशन भी कर रहा है अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, अपनी बॉडी को कैसे कर रहा है, रोटेट करता हुआ स्विम करता है लेफ्ट की साइड। इसके जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में सीलिया है वो इसका रोटेशन कराते हैं किधर, लेफ्ट की तरफ। दूसरा इसकी मूवमेंट को गायरेशन बोलते हैं। गायरेशन का क्या मीनिंग है बच्चों, स्पाइरल पाथ। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो ये किस तरह की मूवमेंट करता है, स्पाइरल, मींस ऐसे नहीं कि जैसे ये स्विम करता जा रहा है सीधा सीधा, ये नीचे की तरफ पहले फिर ऊपर की तरफ, तो इस तरह से स्पाइरल पाथ पे मूवमेंट करता है, इसको क्या बोलते हैं, गायरेशन। तो इसकी लोकोमोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फर्स्ट गायरेशन मीन्स मूवमेंट ऑन स्पाइरल पाथ, और दूसरा रोटेशन यानी कि अपनी एक्सिस के, अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड भी ये क्या करता रहता है, रोटेट करता हुआ मूव करता है। और ये सारी मूवमेंट या लोकोमोशन जो है सीलिया की बीटिंग से हो रही है, और जो सीलिया की बीटिंग है वो कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड होती है बच्चों, इंफ्रासीलियरी सिस्टम। जो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि सीलिया जो है वो पेलिकल वाले एरिया से या पेलिकल वाली मेम्ब्रेन से जब अराइज हो रहे हैं तो नीचे की तरफ यहाँ वेस्टिब्यूल थे और यहाँ फाइबर्स थे, वो फाइबर्स और वेस्टिब्यूल इसके क्या बनाते थे, इंफ्रासीलियरी सिस्टम, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है किसकी मूवमेंट को, सीलिया की मूवमेंट को। फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चीज आती है बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें होलोजोइक होता है, अमीबा पैरामीशिया में सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और फीड किस पर करते हैं, वाटर में जो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, यूनिसेलुलर एल्गी है या फिर डायएटम्स हैं, उन्हीं पर फीड करते हैं। मींस यूनिसेलुलर इनसे भी छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उन पर फीड करते हैं। और फीडिंग के लिए यानी फूड को इनटेक करने के लिए भी सीलिया बीट करते हैं। यहाँ जो सीलिया है वो इस तरीके से बीट करते हैं कि वाटर का एक कॉनिकल करंट बनता है, यानी वाटर जो है वो अंदर की तरफ जाता है एक कॉनिकल करंट की फॉर्म में, कंटिन्यूअस कॉनिकल करंट, जिसको बोलते हैं वोर्टेक्स। ये वर्ड या ये टर्म याद रखनी है आपको, वाटर का एक कॉनिकल करंट की फॉर्म में एंट्री होती है सीलिया के बीटिंग की वजह से, जिसको वोर्टेक्स बोलते हैं। अब पानी जब अंदर जाएगा तो पानी के साथ कुछ यूजलेस या बड़े मॉलिक्यूल या बड़ी चीजें भी चली जाएंगी, जिसको इसको क्या करना है, इंजेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ जो वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन है ये फिल्टर फीडिंग का काम करता है, मीन्स उन यूजलेस या बड़े पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। तो वेस्टिब्यूल क्या करेगा, फिल्टर फीडिंग या माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इसको, इनके न्यूट्रिशन को फिल्टर फीडिंग या माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। वेस्टिब्यूल तो क्या करवाएगा, फिल्टर फीडिंग करवाएगा, मीन्स जो बड़े पार्टिकल्स हैं या यूजलेस पार्टिकल्स हैं उनको निकलवाएगा। उसके बाद जब एंटर करता है वो पानी बकल कैविटी में, तो बकल कैविटी के जो सीलिया है वो मेंटेन करते हैं एक सिलेक्शन या फीडिंग करंट,
मीन्स जो पानी में फूड पार्टिकल्स हैं उसमें से उनको ले लेते हैं जब पानी अंदर जाता है, और फिर रिजेक्शन करंट पानी जब बाहर निकलता है तो उस दोनों के टाइम में ही उसमें से फूड पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं बकल कैविटी के जो सीलिया हैं। अब यहां से खाना कहाँ जाएगा? साइटोफेरिंक्स में, और साइटोफेरिंक्स के भी फ्री एंड पे, यहाँ पे ये क्या है? साइटोस्टोम, फिर क्या है? साइटोफेरिंक्स। वॉटर की ड्रॉप के साथ ये मिल जाता है और एक मेम्ब्रेनस वेसिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, एक वेसिकल बन जाती है मेम्ब्रेनस, जिसमें वॉटर ड्रॉप है और वो फूड पार्टिकल्स है। तो कहां कहां से होता हुआ? वही जो पूरा पाथवे है हमारा, ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव से, ओरल ग्रूव के बाद वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद साइटोस्टोम, और साइटोस्टोम के बाद साइटोफेरिंग्स, और साइटोफेरिंग्स के एंड पे आके पिंच ऑफ हो जाती है। ये जो वेसिकल बनी है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स है और वॉटर की ड्रॉप है, वो फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में निकल जाती है। ये देखिए, यहां से फिर फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में ये बाहर निकल गई, और ये फूड वैक्यूल यहां से मूव करती हुई, ये पाथवे फॉलो करती हुई यहाँ साइटोपाइप से फिर क्या हो जाती है? इजेस्ट आउट। इसके बाद ये फूड वैक्यूल साइटोफेरिंक्स से निकलने के बाद वेसिकल की फॉर्म में बनी पहले, फिर वॉटर उसके साथ ऐड हुआ और फूड वैक्यूल की फॉर्म में बाहर आ गई। अब यहां से जब ये पाथवे फॉलो करती है तो इसको बोलते हैं साइक्लोसिस। अबाउट 1 to 3 आवर्स तक ये यहां से यहां तक मूवमेंट करती है पूरे साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में, और मूवमेंट के दौरान ही क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस। खाना डाइजेस्ट होता रहता है और जो फूड वैक्यूल्स के अंदर का एनवायरमेंट है, पहले एसिडिक होगा उसके बाद एल्केलाइन होगा। एसिडिक किसकी वजह से होता है? HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से फूड डाइजेस्ट भी होता जा रहा है और लूज और स्वोलन और सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फूड कैसा हो जाता है? लूज, स्वोलन और सेमी ट्रांसपेरेंट। फिर इसके साथ आके कौन जुड़ जाती है फूड वैक्यूल के साथ? लाइसोसोम। लाइसोसोम अपने एंजाइम्स इसमें पोर कर देती है। एंजाइम्स क्या क्या है? प्रोटीनेज है, कार्बोहाइड्रेज है और एस्ट्रेज है, मीन्स प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। और इन एंजाइम्स से कैसा हो जाता है ये फूड वैक्यूल्स का एनवायरमेंट? एल्केलाइन हो जाता है। और इस तरह यहां से मूवमेंट करते करते अबाउट 1 to 3 आवर्स में लगभग सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के साथ साथ उसका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन चलता रहता है। मीन्स खाना जो डाइजेस्ट हो गया वो यहाँ साइटोप्लाज्म में जाता रहता है और यूज होता रहता है उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, न्यूट्रिएंट्स जो हैं। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पहुंच जाता है, और यहाँ की जो पेलिकुलर मेम्ब्रेन होती है वो वीक होती है और वो बर्स्ट आउट हो जाती है, यहां से ओपनिंग हो जाती है, और साइटोपाइज, हम इस पोजिशन को बोलते थे लोकेशन को, तो यहां से साइटोपाइज के थ्रू क्या होता है? फूड वैक्यूल जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लेकर बाहर निकल जाती है। अब जितना खाना यूज होता है, न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, वो हो जाते हैं, बाकी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। सो बच्चों, इस पार्ट में हमने कंप्लीट किया फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन और लोकोमोशन वाला पोर्शन। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।